नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेल्थ एंड मेडिकल लर्निंग चैनल। मैं आज मैं दोस्तों जुला के विषय में आप लोगों से बात करूंगा। गोला कैसे किसे हैं, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसका इलाज क्या है और इससे बचने का उपाय क्या है, इसके विषय में आज आप लोगों से मैं बात करूंगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों कि गोला कैसे किसे हैं। एक तेजी से रचना बदल सकने में सक्षम हो सकने वाला वायरस है जो व्यक्ति के रक्त संचार प्रणाली पर प्रबल तरीके से हमला करता और उसे क्षतिग्रस्त करता। मेडिकल विज्ञान की भाषा में इसे हेमरेजिक यानी कि रक्तस्राव वायरल कहा जाता है, क्योंकि इबोला से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में कहीं से भी रक्त का स्त्राव हो सकता और यही रक्त स्त्राव उसकी मौत का कारण भी बनता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं दोस्तों, इबोला वायरस कैसे फैलती है, इससे बात कर लेते हैं। कैसे फैलती है इबोला वायरस? इबोला का वायरस खुद में एक पहले की तरह है अभी भी वैज्ञानिकों के लिए, क्योंकि यह बहुत तेजी से फैलता है और इसकी लोगों को चपेट में लेकर उन्हें संक्रमित करने की क्षमता नहीं होती। और इसके फैलने के मुख्य माध्यम है लार, पसीना और बील और शरीर से निकलने वाले अन्य तरल पदार्थ इसके फैलने के मुख्य माध्यम बनते हैं। और ये कोई खांसी या छींक से हवा में फैलने वाला वायरस नहीं है दोस्तों, जबकि ये तो बड़ी शारीरिकता से संपर्क माध्यम से फैलने वाला रोग है और इसे हम छुआछूत का रोग भी कह सकते, क्योंकि यह रोगी के संपर्क में आने वाले को भी अपनी चपेट में ले लेता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं दोस्तों, इबोला के लक्षण क्या है, इसके विषय में बात कर लेते हैं। इबोला के लक्षण, ये लक्षण समान बीमारी की तरह ही होते हैं, जैसे बुखार, सिर दर्द, दस्त और पेट में तेज दर्द होना आदि के शुरुआती लक्षण या सिम्टम होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, इबोला का इलाज का इसके विषय में बात कर लेते हैं। इबोला का इलाज, इबोला का पूरे मेडिकल जगत के पास अभी तक ऐसा इलाज या ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं हो पाया जो प्रभावी हो, और इसलिए डॉक्टर लक्षणों के आधार पर ही रोगी का इलाज या ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें मरीज के जिंदा बचे रहने की संभावना बहुत ही कम होती है। और साथ ही आपको बता दें, इबोला से संक्रमित व्यक्ति के बचने की आशंका 10% होती है और 90% रोगी अपनी जान से हाथ धो देते हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं आप कितनी खतरनाक बीमारी है ये इबोला। अब नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं दोस्तों, कैसे बचें इबोला से, हमें बात करते हैं कैसे बचें इबोला से। आगर में वेबसाइट और टीवी के माध्यम, टीवी के अलावा हमारा सौभाग्य है कि बीमारी ने किसी तरह कोई संकट खड़ा नहीं किया, फिर भी हमें इससे बचाव के तरीके पता होने चाहिए ताकि किसी भी बुरी स्थिति में हम खुद मानसिक और शारीरिक तौर पर को तैयार रख सकें। अपने हाथों को हमेशा अच्छे से धोएं और कीटाणु मुक्त करने वाले सैनिटाइजर से अपने हाथों को धोएं और अपने आस पास के माहौल के बारे में हमेशा अपडेट रखें। और साथ ही भोजन करने की जगह के बारे में सही से चुनाव करें और अगर संभव हो तो हमेशा घर पर ही भोजन करें। तो वह आदि कुछ जंतु इबोला वायरस के वाहक हो सकते हैं, इसलिए घर में चूहे नहीं पनपने दें और पालतू पशुओं की अच्छे से देखभाल करें। ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दोस्तों इबोला वायरस के विषय में आज के वीडियो में। सही दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे ऐप ट्यूशन एंड चार्ट और प्रो इंग्लिश स्पीकिंग को अवश्य डाउनलोड करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पीछे दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।